हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है धीरज और मैं इस वक्त हूँ डिब्रूगढ़ के NKS ऑटोमोबाइल शोरूम पे और मेरे पास है दो जूम। आपको पता है ऑलरेडी ये मार्केट में अवेलेबल है। सबसे पहला है ZX, VX और LX। ZX जो कि है बिल्कुल ही प्रीमियम मॉडल और LX जो है वो है आपका सबसे स्टैंडर्ड मॉडल। तो इन तीनों में डिफरेंसेस है, कुछ प्राइस को लेके भी है, स्पेसिफिकेशंस को भी लेके है। तो आगे हम बात करेंगे कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस एडिशनल मिलता है विद मॉडल्स और प्राइस उनका क्या क्या रहता है। ये है आपका ZX मॉडल जो कि प्रीमियम मॉडल है और इसमें बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। प्राइस की सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये ऑन रोड आपका आ जाता है 1 लाख रुपीज़ में और इसके स्पेसिफिकेशंस है बहुत सारे जिसकी वजह से इसको आपका सबसे प्रीमियम मॉडल बताया गया है। आइए हम देखते हैं इस प्रीमियम मॉडल में क्या क्या आपको फीचर्स मिलेंगे। सबसे पहले डिफरेंस जो है इसमें वो है आपका ये टर्न इंडिकेटर, ये ऑटोमेटिक है। वैसे ऑलरेडी इसमें टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलते हैं बैक और फ्रंट में, लेकिन ये जो इंडिकेटर है जैसे ही आप लेफ्ट या राइट टर्न लेते हो ऑटोमेटिकली ये चलना स्टार्ट हो जाता है। ये आपके लेफ्ट और राइट में है, लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये VX मॉडल में नहीं मिलती है या फिर LX में नहीं मिलती है। यहाँ पे वैसे स्पेस तो दिया गया है लेकिन फीचर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। दिस इज़ वन ऑफ अ डिफरेंस। सेकेंड, आप अगर देखें तो आपको यहाँ पे डिस्क मिल जाएगा फ्रंट व्हील में, लेकिन वो आपको VX मॉडल या LX मॉडल में आपको वो दिखने को नहीं मिलता है। और आपको जो VX मॉडल है उसमें आपको ड्रम देखने को मिलेगा फ्रंट एंड बैक में। अब हम इसका देखते हैं डिजिटल कंसोल, वाओ सुपर, बहुत ही बढ़िया बनाया है इसको। इस पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी जो यूजुअली हमें देखने को मिलती है। एक डिफरेंस मैं बताऊँ फ्रेंड्स ZX और VX या फिर LX मॉडल के कंपैरिजन में, तो वो ये है कि इस पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के वो तमाम फीचर्स जो आप जानते हैं, नेविगेशन हो या फिर आपके जो मैसेजेस कॉल्स के जो नोटिफिकेशंस हो, वो सभी आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। देख सकते हैं ये है आपका मोड, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ट्रिप मोड, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर है यहाँ पे, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये I3S टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया बनाई है, इसका टेल लाइट आप देख सकते हैं, इट लुक्स वेरी ग्रेट। अब मैं इसका आपको जो अंदर का सीट के अंदर का जो स्पेस है मैं वो दिखाता हूँ आपको। वाओ, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस है आप देख सकते हैं। और जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट दिया जाता है ताकि अंधेरे के टाइम पे आपको थोड़ी भी परेशानी ना हो। यहाँ पे आपको फास्ट एड किट है, यहाँ पे आपके कुछ टूल्स हैं ताकि आप मुसीबत में इस टूल्स का यूज़ कर सके। यहाँ पे आपको मिल जाता है पेट्रोल डलवाने का, बताया जाता है कि इसका जो पेट्रोल टैंक कैपेसिटी जो है वो 5 लीटर्स का है। ये काफ़ी स्पेस है, एक बड़ा सा हेलमेट या फिर अगर हेलमेट के जगह अगर कुछ और भी रखना चाहते हो तो काफ़ी कुछ आप यहाँ रख सकते हो। इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत स्पेस है, तो ये और ये मिल के आपका काफ़ी स्पेस आपको मिल जाएगा। इसके रियर टायर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक टायर हगर मिल जाता है जो इसको काफ़ी हद तक सेफ रखता है। और इसका जो टायर है रियर टायर वो है आपका 100 mm का, जो कि अच्छी काफ़ी चौड़ी है। और इसका जो फ्रंट टायर है वो आपको 90 mm का मिल जाता है। इसका साइलेंसर बहुत ही बढ़िया बनाया है, बहुत ही स्पोर्टी लुक दिया गया है इसको, तो ये साइलेंसर है बहुत ही ज़्यादा मैच कर रहा है। आपको हर एक जो भी मॉडल है इसका, वो सभी मॉडल का जो लुक्स है वो एज इट इज़ सेम है। बस मैंने जो भी आपको स्पेसिफिकेशंस एडिशनली बताए हैं वो उसके अलावा बाकी सब कुछ आपको सेम मिल जाएगा। फ़िलहाल हमारे पास अभी LX मॉडल है नहीं तो मैं उसका आपको वीडियो नहीं दिखा पाऊँगा,
बाकी जो ZX और VX है उसका मैंने आपको ऑलरेडी स्पेसिफिकेशंस शेयर कर दिया है। ये आपका VX मॉडल का रियर टायर है, आप देखिए कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल भी सेम है जो आपका ZX मॉडल में आता है। कंपनी का कहना है कि इस जूम स्कूटर का माइलेज समवेयर अराउंड 55 किलोमीटर पर लीटर है सिटी में। वैसे मुझे ये स्कूटी बहुत ही पसंद आई। सीट हाइट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन अगर मैं डबल स्टैंड में भी हूँ तो मेरा दोनों ही पैर ज़मीन पे लगभग आ रहा है। मैं इसका फ्रंट लाइट आपको दिखाता हूँ, इसका हेडलाइट आप देख सकते हैं, वेरी नाइस। खासकर ये मेल फीमेल दोनों ही चला सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है बैठ के मुझे इस पे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीरो जूम स्कूटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर आपका कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, मैं आपका आंसर्स दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।